मैं बात करूं कि द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट वी आर फेसिंग, कूप मंडूक सुना है किसी ने? समझता है कूप मंडूक? कूप मंडूक का मतलब कुएं का मेंढक, ठीक है? तो जो एक कुएं का मेंढक होता है उससे लगता है कि यार दुनिया इतनी बड़ी है और मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एक छोर से दूसरे छोर कुएं के जा रहा हूं, मतलब मैं पूरा वर्ल्ड घूम सकता हूं, ठीक है? अगर उस कुएं में चार मेंढक है और उसने रेस जीत ली चारों में तीन मेंढक से, तो उसे लगेगा कि दुनिया में मुझसे तेज कोई है ही नहीं, ठीक है? सेम अगर आप अपनी क्लास में टॉप कर रहे हैं, या आप राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे हैं, या आप छत्तीसगढ़ स्टेट में टॉप कर रहे हैं, ठीक है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कॉम्पिटिशन नहीं है मार्केट में। तो अगर हम इस साल का 2019 का अगर रिजल्ट एनालिसिस करते हैं जो सीबीएसई ने अभी जस्ट निकाला है, तो क्लास 12th में 2019 के जो टॉपर्स हैं, करीब करीब जो पार्टिसिपेशन थे, करीब 12,87,000 लोगों ने सीबीएसई क्लास 12th का एग्जाम दिया है, 12,87,000 लोगों ने, जबकि 2017 में यह संख्या 10,98,000 थी। तो दो साल में आपके 2,00,000 बच्चे जो 12th पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। तो अगर यह इंक्रीज हुआ है दो साल में, इसका मतलब कि सीधा सीधा कि आपके साथ 12,00,000 लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिशन है, डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आप जा रहे हैं। सिमिलरली क्लास 10th में 16 लाख एंड 19 में 18 लाख, सीबीएसई के डेटे पे बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल पे बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ये सिर्फ सीबीएसई है। तो सिर्फ सीबीएसई के आपका कॉम्पिटिशन, अगर आपने क्लास 10th पास किया है तो 18,00,000 लोगों से आपका कॉम्पिटिशन था, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें यह लग रहा है कि यार मैंने तो 90% ले आया, बस अब तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जैसे 2,25,000 लोग और हैं सीबीएसई। अगर आप पैन इंडिया सारे बोर्ड्स मिलाकर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 7,00,000 स्टूडेंट्स हर साल 90% प्लस लाते हैं क्लास 10th में। अगर पैन इंडिया में आप बात करें तो क्लास 10th का सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे नेशनल बोर्ड्स मिला के, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल मिलाकर करीब करीब 18 करोड़ बच्चे एग्जाम देते हैं। कितने कितने 18 करोड़ क्लास 10th में एग्जाम देते हैं और अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ बच्चे जो हैं क्लास 12th का एग्जाम देते हैं, ठीक है? मतलब करीब करीब 6 करोड़ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10th के बाद, ठीक, जो चिंता का विषय है, जिसके लिए गवर्नमेंट और बहुत सारे एनजीओ बहुत काम कर रहे हैं कि ये 6 करोड़ बच्चों को वापस से स्ट्रीमलाइन लेके आया जाए एजुकेशन में। बट आप यह समझिए कि आपके लिए 12 करोड़ का कंपटीशन है, ठीक है? यह हुई 90% की बात। अगर 95% की आप बात करोगे तो क्लास 12th में 2018 और 19 का अगर आप डिफरेंस देखो तो 2018 में 12,000 और 19 में 17,600, ये 95% प्लस स्कोर वाले बच्चे हैं। इसका यह मतलब आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू आर गोइंग टू फेस, किस लेवल पे आप कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हो। हर साल 95% की ग्रोथ, अगर 40% बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब कि कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है। इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, या तो सीबीएसई अपना पेपर जांच इजी कर रहा है या क्वेश्चन पेपर इजी कर रहा है, या तो एज अ पेरेंट एंड पेरेंट और टीचर हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को। ये 2-3 इंफ्लुएंसेस इससे निकल सकते हैं। सबसे अच्छा इस साल जो ह्यूमैनिटीज का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो टॉप 97% के ऊपर करीब करीब 23 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 497 प्लस स्कोर लाया 500 में। कितने? 21 जो है वो ह्यूमैनिटीज के हैं, एक कॉमर्स से है, एक साइंस से है, ठीक है? 1800 बच्चों ने इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स लाए हैं, 100 आउट ऑफ 100,
1818 बच्चों ने, 660 पॉलिटिकल साइंस, 72 फिजिक्स, 373 केमिस्ट्री एंड 726 इन मैथ्स। सेम अगर टेंथ के स्कोर की अगर आप बात करो तो ये नंबर देखो, पहले पिछले साल से इस साल की तुलना में 90% वाले बच्चे कितने इंक्रीज हुए हैं, 70%, 70%। लास्ट ईयर 1,57,000 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया था और इस साल 2,25,000 बच्चों ने स्कोर किया है। और ये जो बच्चे हैं, जो क्लास टेंथ पार्टिसिपेशन है इस साल का, ये सारे बच्चे आपके कंपटीशन है। जब आप मार्केट में निकलोगे, चाहे आप जॉब लेने जाओ, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप एजुकेशन लेने जाओ, हायर एजुकेशन, ये कंपटीशन आपका है। और ना सिर्फ ये कंपटीशन है, बल्कि जो लोगों ने, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है क्लास 12 के बाद, वो भी आपके कंपटीशन को ऐड करते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन खत्म कर लिया है, बहुत सारे मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिना किसी डायरेक्शन के पहले तो अपना 12th खत्म किया, बोले यार 12th खत्म हो जाए उसके बाद सोचा जाएगा। 12th खत्म हो गया, उसके बाद बोले यार अब क्या करें, तो अच्छा पीसीएम लिया था तो इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है। कॉमर्स लिया था, एक काम कर तू बीकॉम कर ले, सीएससीएस की तैयारी कर ले, ठीक है। अच्छा क्या लिया था तूने, बायो लिया था, ठीक है नीट कर ले, ठीक है। उसके बाद जिसका हो गया हो गया, जिसका नहीं हुआ उसने कुछ भी किया ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद बोला यार एक काम करते हैं यार, अब इंजीनियरिंग तो हो गई, अब एक काम करते हैं एमटेक कर लेते हैं। और एमटेक क्यों किया, क्योंकि मुझे कहीं जॉब मिल नहीं रही है बीई के बेसिस पे। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास नंबर तो है बट नॉलेज नहीं है, ठीक है। एमटेक क्यों करना है, क्योंकि सरकार उसके लिए स्टाइपेंड देती है 8,000 रुपए महीने के, तो अब नौकरी नहीं मिल रही है तो एक काम करते हैं, ये नौकरी ही समझ लो इसे, तो एमटेक कर लेते हैं, 8,000 रुपए तो मिलेगा, कुछ तो होगा। 2 साल एमटेक भी खत्म हो गया, अब क्या करें, बीच में नहीं सोचा, खत्म हुआ उसके बाद अब क्या करें, बोले यार अब एक ही चीज बचती है अपने पास, क्योंकि हम इतने हायर क्वालिफाइड हो गए हैं कि हम छोटे मोटे जॉब तो करेंगे नहीं, 7,000-8,000 वाली, 9,000 वाली। तो अब हम क्या करते हैं, हम सीधा तैयारी करते हैं किसकी, गवर्नमेंट सर्विसेज की। और बाढ़ आई हुई है, मैं यकीन मानो भिलाई रायपुर में बाढ़ है, और ये बाढ़ पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं, जो फॉर्म आ रहा है चाहे वो भले चपरासी का हो, बट सरकारी नौकरी है तो कर लेते हैं, एग्जाम दे देते, भले वो एग्जाम भी नहीं निकल रहा। और वहीं अगर आप बिहार और यूपी जाकर देखो तो वहां पर बच्चों की सोच कैसी होती है, समझो थोड़ी। तो एक बच्चा मेरे यहां आया, वो पीजी में रहता था मेरे यहां, क्लास 11th में उसने भिलाई के एक स्कूल में एडमिशन लिया था, बिहार से था लड़का। तो मैंने उससे एक बार ऐसे ही पूछा कि यार तेरा क्या प्लान है फ्यूचर का, बोले भैया फ्यूचर का प्लान एकदम आसान है, सिंपल। बोले कैसा सिंपल, बोले सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, 11th और 12th पढ़ना है, सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद मुझे करना है प्राइवेट में BA बैचलर इन आर्ट्स 3 साल, उसके साथ ही साथ मैं अभी 11th से ही अपने एप्टीट्यूड पे काम चालू किया है मैंने। एप्टीट्यूड समझता, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल रीजनिंग, इस पे मैंने काम चालू कर दिया है। तो अगले 5 साल तक तो मैं यही करने वाला हूं, मैं सारा एप्टीट्यूड रटने वाला हूं, समझने वाला हूं और उसको तैयारी करने वाला हूं। साथ ही साथ में जब मैं बीए करूंगा तो बीए में सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका सिलेबस किसका है, पीएससी यूपीएससी का या बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज का। तो जब मैं बीए करूंगा तो मेरा वो भी कवर हो जाएगा। तो अगले 5 साल, आने वाले 5 साल में मेरा ऑलमोस्ट पीएससी यूपीएससी की तैयारी हो चुकी होगी। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके निकलूंगा, मैं पीएससी यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, और नहीं भी हुआ तो 1-8 साल और मेहनत करके हो जाएगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, ये बिहार और यूपी वालों की सोच है, क्योंकि ये प्लान है। और अगर आप कभी भी पीएससी यूपीएससी का रिजल्ट आए, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो कि टॉपर कहां से हैं, तो टॉप 100 में से टॉप 80 आपको यूपी बिहार के ही मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द प्लान दैट दे हैव। और यहां पर लोग 28, 29, 30 साल के होंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, इवन स्टिल दे आर ट्राइंग कि यार कोई तो सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है।
और ये बहुत दिक्कत होने वाली है बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन जो हर साल इंक्रीज हो रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि जिन बच्चों के 90% से नीचे आए हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. ये 2,25,000 में से अगर 1,00,000 भी सक्सेसफुल अपने हिसाब से हो गए तो बहुत बड़ी बात है अपने हिसाब से, क्योंकि खाने के लिए रोटी तो कोई भी कमा लेता है. उसका यह मतलब नहीं कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है. ठीक है, वही मैंने बोला कि करियर का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है.